नमस्कार, मैं जगदीश पारेख हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज वाक्य के पहले सत्र में वाक्य की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। वाक्य हम सब जानते हैं, अंग्रेजी में जिसे वॉइस, एन एक्टिव वॉइस, आई ओपन द डोर एंड द डोर वॉज ओपन बाई मी। परिभाषा वक्तुम योग्यम, वक्तुम योग्यम इति वाच्य, अर्थात बोलने योग्य बातें, अर्थात बोलने योग्य बातें ही वाच्य कहलाती है। जिसे कहा जाए वक्तुम योग्यम इति वाच्य, बोलने योग्य बातें। चर्चा करते हैं वाच्य के भेद, काइंड्स ऑफ वॉइस। मुख्यतः तीन भेद होते हैं, वाच्य के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, एनएक्टिव वॉइस, हिंदी में जिसे कर्तरी वाच्य, पैसिव वॉइस, कर्म वाच्य, एवं तीसरा भेद भाववाच्य। मुख्यतः तीन भेदों में बांटा गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो मूल रूप में वाच्य को सारांश रूप में यदि मैं समझाऊं, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म, भाव की दशा का बोध हो, वह वाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसमें कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, जिस रूप अर्थात क्रिया पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, एकवचन है, बहुवचनांक है, क्रिया वर्तमान का भूतकाल की ओर संकेत करने वाली है, कर्ता कर्म में भाव की दशा बोध हो, मूल रूप से क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य है। मूल रूप में वाच्य क्रिया का रूपांतरण कहलाता है। क्रिया किस रूप में प्रधान है, कर्ता कर्म अथवा भाव में, वही वाच्य है।
वाच्य के आगामी सत्र में वाच्य के भेदों और कर्तरी कर्म और भाव वाच्य को बदलने के सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।